अब हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन वाई काउंटिंग ए चार। तो यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है 10 माइनस 1। सबसे पहले हम लोग 10 पढ़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पढ़ लिए। 10 में से माइनस 1 का, माइनस 1 काट लिए, बचा क्या? माइनस में जितना दिया रहेगा उतना काटना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बचा, यहाँ पर 9 लिखे, इसे मिटा दिए। अब पता है 10 में से कितना काटने के लिए, 2 काटने के लिए, 1 2 काट देंगे, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा, 8 बचा, 8 लिखे हैं। फिर पता है 10 काटने के लिए, 10 कड़ा काटने के लिए 1 2 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से काटने के लिए कितना काटा, 3 1 2 3 3 काट देते, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 10 में से 3 जाए कितना बच गया, 7 बच गया। अब हम लोग फिर इसको हम लोग फिर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से कितना काटने के लिए काटा, 4 काटने के लिए काटा, 1 2 3 4 काट दिए, बचा कितना हमारा, 1 2 3 4 5 6 कितना बच गया, 6 बच गया। फिर 10 में से कितना काटा काटने के लिए, 5 काटने के लिए काटा। हम पहले छोड़ दें, पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से 5 काटा काटने के लिए, 1 2 3 4 5 5 काट दिए, बचा कितना हमारा, 1 2 3 4 5 बच गया हमारा, 5 बच गया। फिर करा 10, 10 में से अबर कितना करा है, 6 काटने के लिए, 1 2 3 4 5 5 हो गया, और करा 6 काटने के लिए, तो 1 1 2 3 4 5 6 6 काट, बचा कितना, 1 2 3 4 4 बचा हमारा 4, यहाँ पर हम लोग 4 देंगे। फिर करा 10, 10 में से अबर करा 7 काटने के लिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 यहाँ पर हम लोग 3 लिखे। उसी प्रकार से हम लोग 10 कराया, 10 में से कितना काटने के लिए करा, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 काटने के लिए, बचा कितना, 1 2 2 लिख देंगे। अब करा 10 में से 9 काटने के लिए, 9 हो जाएगा, बचा कितना, 1। अब उसके बाद फिर करा 11 माइनस 2 11 पढ़ रहा है, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में से कितना काटने के लिए करा, 2 1 2 1 2 काट दिया, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बचा, 9, यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। फिर करा 11 में से काटने के लिए कितना करा, 3 1 2 3 3 काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बचा, 8, यहाँ पर हम लोग 8 दे देंगे। फिर करा 11 में से कितना काटने के लिए, 4 3 8 4 काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 बचा कितना हमारा, 7, यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। अब करा कितना काटने के लिए, 11 में से 5 1 2 3 4 5 काटने के लिए, 1 2 3 4 5 6 कितना बच रहा, 6, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे। अब हम लोग करा 11 में से कितना काटने के लिए, 6 1 2 3 4 5 6 6 काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5 यहाँ पर कितना बचा मेरा, 5 बचा। फिर देखेंगे 11 में से 7 काटने के लिए, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 काट दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 4 लिख देंगे। 11 में से हम कितना काटा है काटने के लिए, 8 काटा है काटने के लिए, 11 पढ़ो फिर से, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काटने के लिए कितना काटा है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काट दिए, बचा कितना, 3 3 लिख देंगे। 11 में से 9 काटने के लिए काटा,
एट एक नाइन काट दिया, बचा कितना वन और टू, टू लिखे। फिर उसी प्रकार से हमें कितना काटने के लिए करा, अवर का अवर काटने के लिए करा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री काटने के लिए वन टू थ्री काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना बचा नाइन, नाइन। नाइन का स्पेलिंग भूलेगा तो क्या होगा, एन आई एन ई नाइन होता। फिर उसके बाद का कितना काटने के काटने के का ट्वेल्व का, ट्वेल्व में से कितना काटने के लिए फोर, वन टू थ्री फोर काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर हम लोग एट दे देंगे। फिर ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव काटने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना बचा सेवन, यहाँ पर हम लोग सेवन लिख देंगे। ट्वेल्व में से सिक्स काटने के लिए करा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स काटने के लिए बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बच रहा सिक्स, यहाँ पर हम लोग सिक्स लिख देंगे। उसी प्रकार से ट्वेल्व माइनस सेवन, ट्वेल्व में से सेवन काटने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बचा, यहाँ पर हम लोग फाइव लिख देंगे। ट्वेल्व में से एट काटने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट काटने के लिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर, फोर बचा, फोर लिख देंगे। ट्वेल्व में से फिर करा नाइन काटने के लिए नाइन काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री, थ्री लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। उसी प्रकार से थर्टीन माइनस फोर, थर्टीन काटना और उसमें से फोर काटना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन में से फोर काटने के लिए वन टू थ्री एट फोर, फोर काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना बचा नाइन, यहाँ पर नाइन लिख दिए। फिर थर्टीन में से फाइव काटना, ये काट लेता और काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर कितना बच रहा है एट, एट दे देंगे। थर्टीन में से सिक्स काटने के लिए सिक्स काट दिए, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर कितना बच रहा है सेवन, सेवन लिख देंगे। फिर थर्टीन में से सेवन काट, सेवन काटना, सेवन काट दिए, बचा कितना हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बचा सिक्स, यहाँ पर हम लोग सिक्स लिख देंगे। उसी प्रकार से थर्टीन माइनस एट, थर्टीन में से एट चला गया, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर कितना बचा फाइव, फाइव बचा। फिर थर्टीन में से नाइन काटना, नाइन काट काट दी वन टू थ्री फोर, कितना बच रहा है फोर बच रहा है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं अगर फाइव प्लस सेवन तो फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और रिलेशन बिटवीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें सम जोड़ और घटाव के बीच में जो संबंध है उसके बारे में, तो फाइव प्लस सेवन फाइव काट दिए, फिर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो काउंट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, वन टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया। अब जब इस तरीका से दिया हो रहेगा तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ट्वेल्व पढ़ेंगे, ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, यहाँ फाइव दिया फाइव काट देंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव काट दिए बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर कितना बच गया सेवन बच गया। उसी प्रकार से ट्वेल्व काटना, ट्वेल्व में से सेवन काटना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, काटना कितना सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन काट दिए बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव, कितना बच गया फाइव बच गया, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग फाइव लिख देंगे। इसी प्रकार से ट्वेल्व में से फाइव काटना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, काटना कितना फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव काटना, बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना बचा यहाँ पर सेवन, सेवन लिख देंगे। उसी प्रकार से ट्वेल्व,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना काटना है? 7 1 2 3 4 5 6 7 7 काट दिया, बचा कितना? 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। इसके बाद अब हम लोग को देखना है यहाँ पर 11 दिया हुआ प्लस दिया हुआ है ना, जिसमें से 11 पार के 6 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में 6 काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 6 काटना है, 6 काटना है, 6 काट दिए, 6 काट दिए, बचा कितना? 1 2 3 4 5 कितना बच गया? 5। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। यहाँ पर देखना है 8 प्लस यहाँ पर 15 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 में से कितना काटना है? 8 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काट दिया, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कितना बच गया? 7। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7। उसी प्रकार से 13 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काट दिया, काटना कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7 काटना, बचा कितना हमारा? 1 2 3 4 5 6 कितना बचा? 6 बचा। उसी प्रकार से अब हमको देखना है 16। 16 में से 9 को काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15